कोई असर नहीं हुआ, न निषाद का वोट ले पाए, न ति पिछड़ों का वोट ले पाए। जिन्होंने उनको साथ मिलाया था उन्हीं का मोह भंग हो गया, तब तो रास्ता एक ही बचा है, NDA में ही जाएंगे, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। हम तो पहले ही कह दिए थे कि वहाँ टिकने वाले नहीं। सबसे पहले तो उनको जो है, जो नौकरी देने वाले हैं या यात्रा पर जाने वाले हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं, उसके लिए जो 17 महीना का वो आकलन कर ले, सर्वे करवा ले पहले, कि इस बात को बिहार में मानने वाले कोई है या नहीं है, उसके बाद यात्रा करें, नहीं तो यात्रा तो निष्फल हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और यात्रा तो इनका जैसे कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे और 6 महीना जागते थे, और जब उनको खाना सुंघाया जाता था तभी जागते थे 6 महीना के बाद, तो इनको भी नींद खुलता है बीच बीच में, नहीं तो ज़्यादातर समय तो इनका विधानसभा का सत्र चलता है, 5 दिन मात्र चला, और उसमें 1 दिन भी नहीं रहे, कहाँ चले जाते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं। तो पहले तो उसका हिसाब किताब देना चाहिए ना, कि प्रतिपक्ष का नेता इतना बड़ा जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री के बाद, तो उन्हीं का स्थान है विपक्ष के नेता के तौर पर, तो उनको जब ये सब चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है और इसका वो महत्व नहीं समझ रहे हैं, तो फिर कैसे बिहार के जनता को वो सेवा करने का भरोसा दिला रहे हैं। इसलिए इनका दौरा करने से, यात्रा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, और यात्रा करने के लिए स्वतंत्र भी है। राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, अपराधियों की बहार है। तेजस्वी यादव ने आज फिर एक ट्वीट किया है, 87 बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि डबल इंजन। ये 87 जो घटना वो ट्वीट किए हैं वो किस वर्ष का है, 2005 से पहले का है या बाद का है, ये तो पहले जानकारी कर लीजिए। ऐसा नहीं ना कि गलती में 2005 से पहले का वो घटना का ट्वीट कर दिए। उन्होंने आजकल 2-4 दिन की घटना का ट्वीट किया है। तो कौन कौन है जरा नाम कहिए बताने के लिए। राजा तो कह रही है कि जेडीयू के नेता सुरक्षित नहीं है, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष को गोली मारी जा रही है। अब आरजेडी को बस इतना ही काम बचा है कि जेडीयू के नेता का बॉडीगार्ड बनेंगे, उनको उनके सुरक्षा प्रदान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है, आगे बढ़ रही है, और बिहार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है अब इसको किसी आरजेडी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप उनके बातों का कोई सुनने वाला नहीं है। और लोकसभा में जो रिजल्ट आया है इससे वो लोग हताश भी है, निराश भी है, इसलिए उनकी बात को कोई नहीं गंभीरता से ले रहा है। अपराध का आंकड़ा जारी कर रहे हैं और चुनौती आप लोगों को दिया कि 2005 से पहले का आंकड़ा हम देंगे, 2005 से 2024 तक का आंकड़ा। एक बात तो उनको यह समझना चाहिए, उस समय हो सकता है उनकी आयु बहुत कम रही हो, बिहार के लोग या पूरा जग जाहिर था कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ अपना व्यापार को समेट लिया था, बहुत सारे जो लोग थे जिनका अपहरण होता था और कहाँ मिलते थे ये सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे गाड़ी छीने जाते थे वो कहाँ मिलते थे लोगों को पता है, हर रोज़ घटना घटती थी, कोई FIR नहीं होता था, किसी का जान माल का यहाँ सुरक्षा नहीं था। पटना में लोग स्टेशन उतरते थे शाम के बाद तो कहीं गंतव्य जाना नहीं चाह रहे थे, ये सब दिन वो लोग भूल गए हैं, और बिहार की जनता नहीं भूली है, इसलिए अच्छी तरह याद है। और ये जितने भी आंकड़ा वो प्रस्तुत कर रहे हैं हमको लगता है कि उन्होंने सही से देखा नहीं है, सब 2005 से पहले का आंकड़ा होगा। एक चर्चा गर्म है और लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मुकेश सहनी एक बार फिर NDA का दामन थाम सकते हैं, कितना लगता है कि आपने ये बात, जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था हमने उसी समय कहा था कि इनके साथ जाने से जिस वोट के अपेक्षा में इन्होंने उनको साथ मिलाया और साथ में घुमाया उसका कोई असर नहीं दिखेगा, और हुआ यही भी, कोई असर नहीं हुआ, न निषाद का वोट ले पाए, न ति पिछड़ों का वोट ले पाए, ऐसी स्थिति में उनको रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अब देखते हुएगा कि उतना बड़ा घटना उनके साथ घटा, उसके बावजूद भी तेजस्वी जी ने उसमें शामिल होने का कोई कोशिश नहीं किया, इससे स्पष्ट है कि उनका मोह भंग हो गया है। आप लोग जिनका नाम ले रहे हैं कि वो NDA में जाएंगे उनकी बात आप छोड़ दीजिए, जिन्होंने उनको साथ मिलाया था
उन्हीं का मोह भंग हो गया तब तो रास्ता एक ही बचा है, वो एनडीए में ही जाएंगे, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार? अब आप स्वागत करने और नहीं करने का सवाल कहाँ उठता है, आएंगे तो हम रोक देंगे, हम तो पहले ही कह दिए थे कि वहाँ टिकने वाले नहीं। तरारी सीट पशुपति पारस जी बीजेपी से मांग रहे थे, उन्होंने इस संबंध में बीजेपी के, अब ये तो जानेंगे पशुपति जी और देने वाले लेने वाले, इसमें हम लोग बीच में कहां से। सुनील पांडे जो वहां से उनके उम्मीदवार थे वो आज बीजेपी में शामिल। अच्छा, वो जाने, अब वो लोग जाने, उस पर तय करेगा पार्टी, हमको इसमें कोई जानकारी नहीं। मंत्री जी, पिछले दिनों आप क्षेत्र में थे, घूम रहे थे, तीन अधिकारी को निलंबित किया गया है। तो गलत करेंगे, नहीं काम करेंगे तो कार्रवाई तो होगा ही ना। अभी फिर जाएंगे कुछ दिन के बाद, जो जो जिला से हमको जानकारी मिलेगा कि वहाँ सही से काम नहीं हो रहा है, सभी जगह जाएंगे। वैसे नियमित रूप से जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जांच किया जाता रहता है, उस आधार पर भी कार्रवाई होता है। ये अलग बात है कि विभाग के मंत्री होने के नाते जब हम गए, कार्रवाई हुई तो ये मामला ज़्यादा प्रकाश में आया है, लेकिन इस तरह का कार्रवाई वैसे भी होता रहता है जो गलत करते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।